नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि उसने पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अब तक इस खबर की ना तो पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि हुई है, ना ही ईरान की ओर से इस हमले के दावे पर कुछ कहा गया है। लेकिन पाक मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। कल हमने सुना था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता से हमला है, ऐसे में जवाब दिया जाएगा ईरान को। और अब हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। यह हमले के दावे का वीडियो है। हालांकि इसकी पुष्टि दोनों ही देशों की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला बलूचिस्तान में, और इससे पहले हमने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने आतंकी संगठनों पर नियंत्रण करे, लेकिन अब ये तस्वीरें जो सामने आई है इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि ईरान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है। दरअसल ईरान के पुलिस चौकी पर पिछले महीने हमला होता है जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठन का नाम सामने आया था। ऐसे में वहां पर जो पुलिस वालों की शहादत हुई थी, ईरान ने कहा था कि बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दिया था। लेकिन अब पूर्वी ईरान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई है, इसको जवाबी हमला जरूर कहा जा रहा है। लेकिन क्या इतनी जल्दी पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है? क्योंकि मंगलवार को ईरान हमला करता है, अब पाक ने 24 घंटे के अंदर जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि हम देखें कि जो मिडिल ईस्ट है इस वक्त वहां पर तनाव है, इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है। ऐसे में ईरान की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में उसने 3 देशों पर हमला किया। ईरान ने सीरिया पर हमला किया था, ईरान ने इराक पर हमला किया था और ईरान ने पाकिस्तान पर भी हमला किया। तो किस तरीके से ईरान ने ट्रिपल अटैक किया और अब पाकिस्तान की ये जवाबी कार्रवाई। संदीप बोल, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, पाकिस्तानी मीडिया में ही ये खबरें चल रही है, तो क्या सिर्फ ये माहौल बनाने की पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोशिश है या सच में इतनी जल्दी पाकिस्तान ने ईरान से बदला लिया है? देखिए, एक दिन में जिस तरीके के घटनाक्रम बदले हैं उससे तो ये साफ लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसे रिटेलिएशन करेगा, और जिस तरीके की रिपोर्ट वहाँ की मीडिया में आ रही है उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है ईरान के अंदर, 50 मील अंदर घुसकर जो है वो अटैक किया गया है। लेकिन अभी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि किस आतंकी संगठन के ऊपर वो अटैक किया गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतें पेश करने वाले जो BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, जिसको कि पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ईरान से ऑपरेट करते हैं और ये अटैक उन्हीं कैंपों पर है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरीके की अटैक ईरान करता है उसके बाद रिटेलिएशन होता है, रिटेलिएशन का क्या जवाब ईरान की तरफ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ईरान ने कल अटैक नहीं किया होता तो शायद पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक नहीं होता। तो ईरान ने सीधे तौर पर ये मैसेज दिया था कि उनके यहाँ पे जो भी ऐसी आतंकी घटनाएं घटित होंगी और जो भी देश के आतंकी संगठन उसमें शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से उन्होंने सीरिया में भी अटैक किया, इराक में भी अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी अटैक किया। तो अब ये जिस तरीके का मैसेज इराक ने दिया था उसी तरीके का मैसेज अब पाकिस्तान ने भी दिया है, ताकि कोई इंटरनेशनल फोरम में ये ना कह सके या एस्केलेशन इस कदर ना हो सके। क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि जो BLA यानी बलूच लिबरेशन फ्रंट या बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि सबसे ज़्यादा मुसीबत का सबब है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान में लगातार BLA अटैक कर रही है वहाँ के पाकिस्तान की फौज के ऊपर, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो हो सकता है कि ये मैसेज दिया जाए कि आपने हमारे यहाँ पे सीमा के पास पलने वाले जो आतंकी संगठन है उसको सर्जिकल स्ट्राइक से स्ट्राइक किया, तो हमने भी आपके यहाँ पे हमारे खिलाफ लड़ने वाले जो आतंकी संगठन है उनको स्ट्राइक किया। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है पाकिस्तान की तरफ से भी, ना ही ईरान की तरफ से। लेकिन ये रिटेलिएशन है और रिटेलिएशन अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होते हैं। ईरान ने कल ये अटैक कर ये मैसेज दिया था कि हमने आपके यहाँ पे पल रहे आतंकी संगठन जिसने बाकायदा रस्क शहर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके 11 के करीब पुलिस वालों की हत्या की थी, उसका जवाब उन्होंने लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आता कि पाकिस्तान ने ईरान के हमले पर बाकायदा। अहम सवाल है संदीप, जिसका मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जवाब भी दें। देखिए संदीप, क्या आधिकारिक बयान इस पर पाकिस्तान या ईरान की तरफ से आया है? नुकसान कितना हुआ है इस स्ट्राइक में? और अगर वाकई ये पाकिस्तान का पलटवार है तो क्या ईरान इसके बाद चुप बैठेगा? ये 3 अहम सवाल है जिनके जवाब मैं चाहूंगी।
देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर तो ये बयान जारी नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक या कोई स्ट्राइक होता है तो फिर उसके हिसाब से असेसमेंट देखकर ही रिप्लाई किया जाता है। जैसे कि जब ईरान ने अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी हुआ था, आधिकारिक बयान जारी हुआ था, उसमें कैजुअल्टी बताई गई थी। हालांकि ग्राउंड पे कितनी कैजुअल्टी है उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो उन्होंने असेस किया उसके हिसाब से 2 बच्चों की मौत बताई थी और 3 घायल बताए थे, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यानी कि उस मिसाइल अटैक में जो कि ईरान की तरफ से किया गया था उसमें 5 लोगों की जो है वो उसमें शामिल होने की बात थी, कि इतने लोग जो है या तो उनकी मौत हुई है या घायल हुए हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भी कोई असेसमेंट नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद इस तरीके का असेसमेंट हो, या हो सकता है पाकिस्तान इंतजार कर रहा हो कि ईरान को इस तरीके का आधिकारिक बयान निकाले। दूसरा सवाल यह है कि अगर रिटेलिएशन की बात करें तो एक मैसेज जो ईरान ने दुनिया के सामने देने की कोशिश की कि वो हर आतंकी संगठन जो कि उसके खिलाफ उसके लोगों को मारेगा या उसके खिलाफ अटैक करेगा उसको वो जो है डिसमेंटल करेंगे, उसी के तहत उन्होंने 3 अलग अलग देशों पर अटैक किया। अब पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से, यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से ये अटैक किया है, जो कि अभी वहाँ की मीडिया बता रही है कि वो उन्होंने BLA और BLF यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको वो कहता है पाकिस्तान की ईरान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे इस उनको आश्रय मिलता है। तो अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि ये मैसेज ज़रूर दिया जाएगा कि ये जो अटैक्स हुए हैं वो उस आतंकी संगठन, उस उग्रवादी संगठन के खिलाफ किए गए हैं जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उनके पुलिस या जो फौज है उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। तो अभी एस्केलेशन हो सकता है, अब देखना होगा कि ईरान का इस पर क्या रुख होता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही है। कल रामलला की प्रतिमा मंदिर परिसर पहुंच गई और आज रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश करवाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दोपहर करीब 12:45 पर रामलला की मूर्ति गर्भगृह में जाएगी और वहां आज दोपहर को संकल्प किया जाएगा। आज गणेशांबिक पूजन और वरुण पूजन होगा और साथ ही अलग अलग तरह के कई पूजन होंगे और शाम को मूर्ति का जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। हमारे साथ अरुण सिंह अयोध्या से लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अयोध्या में अरुण, आपके पीछे काफी सारी महिलाएं नजर आ रही हैं, आज का दिन बेहद खास है। देखिए, जब कोई मनोकामना पूरी होती है तो जो हर्ष होता है घर में, जो उत्सव होता है, जो प्रसन्नता होती है, वही ये हजारों महिलाएं अयोध्या और आसपास की वो दिखा रही हैं।